हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना पर्पल हॉल। ये सभी मेकअप प्रोडक्ट मैंने पर्पल से लिए हैं। अच्छी सेल चल रही है, आप इनको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ले सकते हैं। तो मूविंग टू द फर्स्ट, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच जाए। और पहला प्रोडक्ट है मेरा ये NYBAE की लिपस्टिक, जो कि है NYBAE रनवे मैट लिपस्टिक विद ऑर्गन ऑयल, और ये शेड है मेरा 19 रिहर्सल लुक 19। मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, इस तरह से है इसकी ये लिपस्टिक और ये शेड 19, जिसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये पिंकिश सा पिंक सा टोन है इसकी, और 179 रुपीज में मैंने लिया था। इस टाइम पर सेल में और भी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट है ये मेरा, ये भी NYBAE का द बिग एप्पल कोल स्टिक काजल, जेड ब्लैक शेड है इसका। ये भी मैट फिनिश है, पिगमेंटेड है, और इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये 12 आवर्स लास्ट है, तो ये 8 to 9 आवर्स तक तो रहता है। आप देख सकते हैं जेड ब्लैक शेड है और बहुत अच्छा काजल है। आप देखिए सॉफ्ट सा है बहुत। 106 रुपीज का ये मैंने काजल लिया था। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस LA18 लिक्विड लिप कलर। यू कैन सी दिस इज द LA18 लिक्विड लिप कलर। ये शेड है टॉनी वुड 92 B92। 120 की ये मैंने ली थी पर्पल से, बट मुझे ये LA18 की लिपस्टिक पसंद नहीं आई। शेड इसका अच्छा है यू कैन सी, बट ये बिल्कुल भी स्टे नहीं करती है, कुछ ही देर में जो है ये आपकी रिमूव हो जाएगी, सो दैट्स वाई मुझे पसंद नहीं आई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लिपस्टिक, और नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी HD मैट लिपस्टिक। मेरा शेड है ये क्यूट न्यूट शेड 09। ये मैंने ली थी 239 की, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। यू कैन सी मैट सी फिनिशिंग है इसकी, बहुत अच्छा। ये शेड भी बहुत अच्छा है, ये 09 शेड है, बट इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं और मैं नेक्स्ट इसके और भी शेड्स परचेज करूंगी, बिकॉज बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, लाइटवेट है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरा ये NYBAE की मेल्ट मैट लिप क्रियन, जो कि है सैटिन टेक्सचर में। ये भी पिंक, ये डिफरेंट सा पिंक है, यू कैन सी दिस इज दी ये शेड है इसका। ये है क्यूट न्यूट बैड गाइज चॉइस 04। और नेक्स्ट है ये स्टे क्विकर का ड्रामा क्वीन जेल आईलाइनर। ये जेड ब्लैक शेड में है, दिस इज दी बेस्ट आईलाइनर। ये मैंने लिया था 339 की, इसका क्यूट सी छोटी सी आप देख सकते हैं बॉटल, और ये है इसका एप्लीकेटर, दिस इज दी एप्लीकेटर, और इस तरह से आपको मिलेगा लाइनर। बहुत अच्छा है, जेड ब्लैक शेड है इसका। मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ, यू कैन सी हेयर दिस इज दी लाइनर, और ये आपका पिगमेंटेड है, और आप इसको अप्लाई करेंगे 2-10 आवर तक तो रहता है, बहुत अच्छा है ये 339 का। अगर आपको लाइनर लेना है तो आप इस लाइनर को एक बार जरूर परचेज करना। नेक्स्ट दिस इज माय स्टे क्विकर व्हाइट काजल, दिस इज ये स्टे क्विकर का व्हाइट काजल है। ये स्मच प्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंस है, इंटेंस पिगमेंटेशन है इसकी। अगर आप इसकी देख सकते हैं एप्लीकेशन बहुत स्मूथ सा है। 161 की प्राइस रेंज का ये काजल बेस्ट है इस टाइम पर, फेस्टिव सीजन में आपको और अच्छे प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आपको व्हाइट काजल लेना है तो स्टे क्विकर का ये काजल आप जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वन इज दिस NYBAE ब्रो पेंसिल, जो के है ब्राउन शेड में, आईब्रो पेंसिल ब्राउन सा शेड है, यू कैन सी आई थिंक। ये सब बेस्ट ब्रो पेंसिल इन 74 रुपीज। Now the next these are my two blushes, एक ये टिनी सा छोटा सा है और एक ये है। अच्छा फर्स्ट हम देखते हैं ये स्मॉल सा, ये स्टे क्विकर का है और आप देख सकते हैं ये शेड है पीच लेडी 03। ये
ये लाइट वेट है, हाईली पिगमेंटेड है, ब्लेंडेबल है, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत क्यूट सा है। 203 रुपीज का ये 03 शेड है मेरा। और नेक्स्ट है ये स्टे क्विकर की एक और डबल ड्यूल ब्लश जो कि मैंने यूज़ किया, तो देखिए थोड़ा सा बचा है ये मेरा। ये ब्लेंडेबल, ये भी लाइट वेट है। अच्छा, ये उससे लाइट शेड्स हैं, यू कैन सी हेयर, ये है इनके लाइट शेड। जो अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो आप ये ले सकते हैं 4 शेड। इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। ये है रोड 0004, 279 रुपीज की ये है। इसके और भी शेड्स आपको पर्पल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेरा ये वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, जो शेड है सॉफ्ट बेज। इसका एप्लीकेटर यू कैन सी, मीडियम टू लाइट कवरेज देता है आपको। और नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड की ही कॉन्टूरिंग पैलेट ली है। ये कॉन्टूरिंग पैलेट बेस्ट कॉन्टूरिंग पैलेट है इन दिस प्राइस रेंज 399 की। और ये मेरा है कैरामेल टॉफी। नाउ यू कैन सी ये है शेड कैरामेल टॉफी, 399 रुपीज में। दिस इज द बेस्ट और बहुत सॉफ्ट सी है। यू कैन सी ये किसका है, एज अ हाइलाइटर आप अंडर आईज यूज कर सकते हैं। और ये है इसका कॉन्टूरिंग कलर। सो ये बेस्ट है, अगर आपको कॉन्टूरिंग पैलेट परचेज करना है तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी ये पर्पल की कंसीलर पैलेट। नाउ यू कैन सी इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट सी है, पर्पल की है। और ये मीडियम टू विल्डेबल कवरेज देती है। आप देख सकते हैं इसके शेड्स, 6 शेड्स हैं इसमें, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही, ये देख सकते हैं आप, ये है सिटी एजेंट 1 शेड। लॉन्ग लास्टिंग है, लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट सी है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। और इसमें आप देख सकते हैं येलो शेड जो आप डार्क सर्कल के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रीन शेड आप एक्ने, अगर आपके पिंपल्स हैं, रेडनेस है, देन यूज करें। रेड शेड आप डार्क सर्किल और डार्क स्किन टोन है, देन यूज करें। पर्पल शेड आप न्यूट्रलाइजिंग स्किन विद येलोइश अगर स्किन टोन है तो आप पर्पल शेड यूज करेंगे। और ये 2 शेड्स हैं जिसमें एक ये हो गया आपका कंसीलर और ये एज ए करेक्टर यूज कर सकते हैं। मेरी ये स्विस ब्यूटी की मेटेलिक लिक्विड आई शेडो 04 शेड है इसका, स्मोकी स्टॉर्म। ये है इसका एप्लीकेटर, इस तरह से ये है इसकी एप्लीकेशन जो है 04 स्मोकी स्टॉर्म मेटेलिक सा शेड है। और ये जो है वो सिल्वर सा है। इसके और बहुत से शेड्स अवेलेबल हैं 199 में। दिस इज द बेस्ट आई शेडो जिसको आप अपनी आई मेकअप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये है ये प्लम बॉडी का शॉवर जेल। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 इस बॉक्स में इस तरह से ये 2 बॉटल्स हैं। एक ये है हवाई रूमा जो मैंने यूज भी किया है, थोड़ा सा रह गया है। और नेक्स्ट है ये ऑरेंज सा, और इसके साथ इसी बॉक्स में आया था ये लूफा जो इस पर मेंशन है मेड विद वेजिटेबल फाइबर्स। सॉफ्ट सा है, आप इसको ऐसे स्क्रबर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए मेरे पर्पल के प्रोडक्ट। और पर्पल से जब मैंने NYBAE की लिपस्टिक और काजल ऑर्डर किया था तो उन्होंने मुझे साथ में एक ये NYBAE का ही पाउच, उस टाइम पर ऑफर था कुछ तो उसमें ये पाउच फ्री था। उसमें बहुत सारे शेड्स थे पाउच के, मैंने ये चूज किया है। तो बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं जिसमें आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये इबा के परफ्यूम्स जो कि मैंने अमेजोन से लिए थे। ये पर्पल के नहीं है बट मैंने इनको यूज किया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें भी अल्कोहल फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है, और द बेस्ट थिंग इज दिस कि ये हलाल सर्टिफाइड ब्रांड है इबा। मैंने ये 2 लिए थे, मुझे पड़े थे 448 के। इस टाइम पर बहुत अच्छे ऑफर में आपको मिल जाएंगे। ये है रेन ड्रॉप, ये है प्योर परफ्यूम, बहुत अच्छे हैं और छोटे से हैं। आप इसकी पैकेजिंग देखिए, ट्रेवल फ्रेंडली है, यू कैन सी हेयर, छोटी सी पैकेजिंग है, क्यूट सी, जो कि इस तरह से। तो ये तो थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट जो कि मैंने पर्पल से लिए, ये 2 परफ्यूम्स जो मैंने अमेजोन से लिए। ये आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएंगे, सिर्फ अमेजोन पे ही नहीं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।